तो गाइस यही है वो जगह जहाँ पर रानियां लूडो खेला करती थी। जी हाँ दोस्तों, यही है वो जगह जहाँ पर रानियां लूडो खेला करती थी। मैं यहाँ पे है जोधा भाई का किचन। ये है उस टाइम का स्कूल, यहाँ पे होता था लुका छिपी का गेम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अकबर के तीन बीवी। जी हाँ दोस्तों, तीनों बीवी का महल, स्पेशली जोधा भाई का। तो आइए मैं आज आपको दिखाता हूँ रानी जोधा भाई और हमारी मरियम, जो उनकी वाइफ थी मरियम, उनका भी हम आज किला दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए। तो गाइस ये है अकबर की वाइफ मरियम, जो कि एक क्रिश्चियन थी और उनका ये एक महल है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए गाइस, उनकी वाइफ जिनका नाम था मरियम, ये उनका पूरा महल है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, जो कि बहुत ही शानदार है। ये देखिए, ये है अकबर की वाइफ मरियम का बेडरूम। ये देखिए, ये आइए मैं आपको दिखाता हूँ जोधा भाई का किचन। जी हाँ दोस्तों, जोधा भाई का किचन यहाँ पे है, जो कि अभी फिलहाल बंद है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे है जोधा भाई का किचन, जो कि अभी बंद है। आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको, वीडियो पॉज करके। ये देखिए, तो यही है वो प्लेस रानी जोधा भाई का किचन, यहीं पे खाना वगैरह सब बनता था, अभी फिलहाल ये क्लोज कर दिया गया है। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ रानी जोधा भाई का महल, क्योंकि सारे रानियों में सबसे बड़ा जो महल है रानी जोधा भाई का है। आइए, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है रानी जोधा भाई का महल। जी हाँ दोस्तों, सारी रानियों में सबसे बड़ा, सबसे ब्यूटीफुल जो महल है वो है रानी जोधा भाई का। और इसकी वजह यह है क्योंकि तीनों रानियों में से सिर्फ जोधा भाई से ही उनको संतान प्राप्त हुई, इसी वजह से, सिर्फ इसी के वजह से रानी जोधा भाई का जो महल है बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए, बहुत ही शानदार है। ये देखिए, ये देखिए, आ जाइए। ये अंदर का इलाका है, अंदर का पोर्शन है। तो आइए अब मैं दिखाता हूँ आपको जोधा भाई जहाँ पे पूजा करती थी, उनका यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उनका मंदिर बना हुआ है, जो कि मैं आपको पास से दिखाता हूँ। आ जाइए, यहीं पे है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही रानी जोधा भाई का यहाँ पे मूर्तियां रखा करती थी और यहीं पे वो पूजा वगैरह सब किया करती थी, जैसे कि आप देख लीजिए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, कितना ज्यादा बेहतरीन नक्काशी की गई है और बहुत ही शानदार है। तो ये है जोधा भाई का महल, जो कि सारी रानियों में सबसे अच्छा इन्हीं का है महल, बाकी तो सब छोटे छोटे है, बट जोधा भाई का जो प्लेस है, जो महल है, बहुत ही ज्यादा शानदार है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, आपको मैं सब कुछ दिखाने वाला हूं और टाइम ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसका बंद करने का भी टाइम होने वाला है, तो इसीलिए मैं फटाफट आपको दिखाने वाला हूं। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जहां पर रानियां लूडो खेला करती थी, और जैसे कि आप मेरे बगल में देख रहे हैं, यहां पे है स्कूल। जी हाँ दोस्तों, ये है स्कूल उस टाइम का, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहां पे खेलती थी रानियां लुका छिपी। तो आइए फिर आपको मैं ले चलता हूं और एकदम पास से दिखाता हूं। जी हाँ दोस्तों, आइए, यहां पे खेलती थी लूडो। जी हाँ दोस्तों, लूडो, ये देखिए गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रानियां खेलती थी लूडो। ये देखिए गाइस, यहाँ पे बना हुआ है पूरा। ये देखिए गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है उस टाइम का स्कूल, यहीं पे जो हमारे राजा हैं, रानियां हैं, और उनके मतलब जो दासियां थे, सेवा करने वाली, सबके बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कितना शानदार उस टाइम का ये स्कूल है। तो गाइस अब मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पे रानियां और उनके जो सेवक थी, वो जहाँ पे लुका छिपी खेला करती थी। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ पे लुका छिपी वगैरह खेला जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, और जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पे खजांची बैठा करते थे यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों,
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठते थे खजांची और जिसके पीछे यहाँ पे होता था लुका छिपी का गेम। तो गाइस अब मैं दिखाने वाला हूँ अकबर की मुस्लिम रानी का महल। जी हाँ दोस्तों, अकबर की मुस्लिम रानी का महल। तो आइए और आपको मैं दिखाता हूँ पास से। ये देखिए, ये देखिए गाइस, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज्यादा शानदार है। ये देखिए गाइस, तो गाइस आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा बेहतरीन कारीगरी की गई है और इसको बनाने में कितना ज्यादा टाइम लगा होगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, और आप वहां की जो जाली देख रहे हैं कितनी 100 साल पुरानी है, बट अभी भी वैसे की वैसी है। जी हाँ दोस्तों, कितनी 100 साल पुरानी है बट अभी भी वैसी है। गाइस अभी यहां से आप एक व्यू देख सकते हैं कितना ज्यादा शानदार है। ये देखिए गाइस, और छोटा सा यहाँ पे एक पार्क है और शायद उस टाइम का है या इस टाइम का मालूम नहीं अभी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। शायद उसी टाइम का रहा होगा, इसे इसको मतलब इस टाइम में मेंटेन कर दिया गया। ये था अकबर की तीन बीवी, जोधाबाई, मरियम और एक जो भी थी मुस्लिम, उनका नाम मुझको नहीं मालूम। ये था उनका महल जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार था। उस टाइम कितना सिस्टमेटिक ढंग से काम होता था, स्कूल था, इंजॉयमेंट के लिए भी था, फन के लिए भी था, हर चीज था भाई। अकबर ने क्या क्या नहीं किया, क्योंकि अकबर ने हिंदू मुस्लिम कोई धर्म रिलेटेड बात नहीं की, उसने सारे धर्म को लेकर चला। शायद इसीलिए वो आज सबसे बड़ा है, आज सभी इसको जानते हैं। तो ये था स्कूल और जहाँ पे रानियाँ लूडो खेलती थी, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पे खेलती थी लुका छिपी। सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लोर किया, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एक और व्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।